आशीर्वाद दो ना, हाथ मुड़ पर हाथ रखो और लड़की का मुंह लुका गई बाटे तुम। हाँ दोनों हाथ रखो। देखो भैया टाओ ना माचल पटेल है। मैं नरकटिया का शिवगंज की रहने वाली हूँ। मैं पहली बार अपने मामा के शादी में गई थी। मेरे बड़े मामा के लड़के की शादी थी, उनमें ये भी आए हुए थे शादी में, जो ये मुझे बहुत अच्छे, मैंने इनको जब पहली बार देखा तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ये मेरी बहुत केयर और रिस्पेक्ट करते थे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। उस वजह से हम दोनों में प्रेम हो गया। हमने 5-6 साल तक लगभग फ़ोन पर बात किया। फ़ोन पर बात करने के बाद हमने सोचा हम शादी कर लेंगे। मैंने इस रिश्ते के बारे में अपने घर में बताया था, पर घर में किसी ने इस रिश्ते को मंजूर नहीं किया। इस वजह से हमने भाग के शादी करी। मैं 17 किलोमीटर से चल के आई हूँ रामनगर अपने प्यार को पाने के लिए, पर मेरे घर वाले अभी भी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। पर मेरी आज शादी हो चुकी है, मैंने इनसे शादी कर ली है मंदिर में सबके सामने, और मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस रिश्ते में किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हम दोनों अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी राजी से शादी कर रहे हैं। प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। अगर शादी में गए थे, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, हम दोनों में बात हुई, लगभग 4-5 साल हम दोनों ने बात किया। अब उसके बाद से हम दोनों में प्यार हुआ। उस वजह से हम लोगों ने फ़ोन से बात किया 4-5 साल। अब दोनों में प्यार होने के बाद से हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग शादी कर लें। इस मंजूरी को घर वाले नामंजूर कर रहे थे कि ना शादी नहीं होगा, तो हम लोगों ने भाग कर शादी किया अपने खुशी से। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है दोनों आदमी का, हम लोग खुशी से शादी किए हैं। क्या नाम हुआ? आदित्य पटेल। बोला प्यार मोहब्बत जिंदाबाद।